तो हेलो गाइस, नमस्ते सबको। और मैं आ गया हूँ मौसी के घर, और हम हैं यहाँ पे तुषार भाई के साथ और हर्ष भाई बोरे। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम करने वाले हैं फूड रिव्यू, किसका? मामा बर्गर का। ये बहुत ही रील्स पे फेमस हो गया था, तो इनके घर के पास ही है, तो हमने सोचा चलो व्हाई नॉट। तो अब हम कराने वाले हैं फेमस यहाँ का। क्या कराने वाले हैं, हर्ष बताएगा। कोम्बो खाएंगे भाई, कोम्बो देखिए लिखा हुआ 99 वाला, 99 रुपीस का। जानता ना कौन हूँ मैं, हर्ष डोंट कैरी चीज। तो अब कराते हैं प्लेटर और देखते हैं क्या क्या है, और सच्ची में जो रील्स पे फेमस है क्या वो सच्ची में है ऐसा या नहीं, खा के पता चलेगा। तो आओ, मेरे मुंह के अंदर भी बाढ़ रहा था बिल्कुल कैमरे को ही। तू कैमरे के अंदर की आ रहा है, ज्यादा फुटेज ले लूंगा फिर मैं। तो गाइस, भाई हमने ऑर्डर दे दिया और भाई 20 मिनट इन्होंने मुंह से अपने खुद बोला कि भाई 20 मिनट की वेटिंग है, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि इतनी डिमांड है ना इनके, ये क्या कहते हैं, कॉम्बो की। तो भाई बहुत वेट करना पड़ रहा है हमें, बाकी हमने ऑर्डर तो दे दिया, देखते हैं कितनी देर में आता है। हाँ भाई तुषार, कुछ ग्लैमर दीजिए वीडियो में, आपके व्यूज ग्लैमर की स्पेलिंग तो आती है क्या। हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बहुत ही क्या कहते हैं इंतज़ार हो रखा है। अब ना प्लान ये है कि यहाँ से ना खा के कहीं और भी चलेंगे हम, एक ही जगह पेट नहीं भर पाएगा हमारा, इसलिए। भाई कहाँ ले जा रहे हो भाई, सब है हमारे यहाँ। कहाँ गाइड भैया, कहाँ जा रहे हो? हम जाएंगे पिज़्ज़ा वर्कशॉप। क्या कह रहा, सुअर का मीट खा रहे थी पिछली रोड पे मिलता है। हाँ बता तू, पिज़्ज़ा वर्कशॉप जाएंगे, उसके बाद ये बहुत तगड़ा कॉम्बो है वो दिखाएंगे। हाँ पिज़्ज़ा खाएगा, चने की दाल उबाल के खाने वाला। ले आओ ले आओ ले आओ, यह गाइस एक प्लेटर में फ्राइज, बर्गर और पिज्जा, और यह है सिर्फ 99 का। और मसाला सोडा, मसाला सोडा भी चाहिए। मुझे डोसा ना मोसा लेकर मसाला सोडा बोल दे। अबे क्या कर रहा है, चलो जरा अच्छा लगे, रख लो जरा, चलो चलो चखो फिर, टेस्ट करो। ओके पहले प्राइस, लेट्स चीयर्स, लेट्स से वो पैन किया। रुक जा, ओके ओके सही है, वेरी गुड। यार ठंड ज्यादा नहीं, ठंडे ठंडे फील हो रहे हैं। नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया वेरी वेरी है भाई, ऊपर की चीज अच्छी है उसकी जिनने बना के डाली ना खुद। बस ना वो ठंड की वजह से थोड़ी सॉगी हो गए हैं, बाकी सब बढ़िया। ओके ये ना वैसे अच्छे बिल्कुल, पर ना ठंडे हो गए बस। कैसा है भाई वो, तो प्राइस तो बढ़िया। गाइस लोकेशन इनकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिनको यहाँ पे आने आ जाना। हमें ओके ओके लगा क्योंकि ठंडा हो गया है मामला, वो ठंड की वजह से। ओए हुए लक्षण है, करी पूरी कलाकारों वाली बात। अब चुप रहिए बिल्कुल। क्या करना चाह रहा है तू, ऐसी मुंह मार देना, इसमें क्या दिक्कत है? अपना ही तो है, अपना ही तो है, क्या इससे करेगा? अच्छा देखो भाई, स्माइल देखिए जैसे आज ही। सही है ये भी, ओके ओके ये अच्छा भाई, ये अच्छा है। ये भी ठंडा हो गया, ये सही है गाइस। ओवरऑल 5 में से मैं अभी दूंगा 3.5 स्टार। क्या दोगे? अभी खाया 5 में से। ओवरऑल बता, ओवरऑल पूरी प्लेट का पर ये ठंड में इसका कुछ काम नहीं है, तो हमने तो, अरे लेकिन हम ये भी 100 रुपए के हिसाब से तो अगर मैं ये अभी खा के देखता हूँ बढ़िया बहुत, अभी तो 4 अच्छे ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया चीजें नहीं मिल सकती तुम्हें, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हाँ ठंड में इसकी जगह कुछ और ऑप्शन होना चाहिए, कॉफी। मामा जी बर्गर ट्राई करने गाइस, आ सकते हो आप कृष्णा नगर। तो ये आ चुकी है अपनी सेकंड प्लेट, ये तो आया दूर से, हम तो यहीं।
तो गाइस मामा जी बर्गर के बाद हम गए पिज़्ज़ा वर्कशॉप और वहाँ पे ना थोड़ी भीड़ थी और शोर था, तो इसलिए मैं नरेशन कर रहा हूँ। तो उसमें भी कॉम्बो खाया हमने, ये देख ऑनियन मशरूम टमाटो कॉर्न चारों भाई कॉम्बो कर दो फिर। तो ये रहे हमारे चार पिज़्ज़ा 210 रुपीस में, जो कि गाइस बहुत ही टेस्टी थे, मतलब क्वालिटी A1। कैसा बढ़िया, अबे डोमिनोज इसके आगे फेल लगता है, मेरा मजाक। अच्छा जी, डोमिनोज मेरे को अच्छे लगता है, अच्छा लगता है मेरे को। गाइस लोकेशन डिस्क्रिप्शन में।